हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुशांत राणा फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने पुराने एलईडी टीवी को या पुराने होम थिएटर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये डिवाइस बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से और आज मैं आपको बताऊंगा इसके यूज़ेस। ये बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, ये काम करता है दो तरीके से, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह काम करता है। इसके दो यूज़र्स हैं। पहला ये, अगर आपके पास होम थिएटर है उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो आप इस डिवाइस को उसमें कनेक्ट करेंगे और उस होम थिएटर को फिर अपने फ़ोन के साथ पेयर करके म्यूज़िक बजा पाएंगे। पहला यूज़ ये हुआ। दूसरा सेकंड यूज़ है इसका कि अगर आपके पास पुराना कोई टीवी है जिसमें पहले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती थी तो इस डिवाइस को आप यूएसबी पोर्ट होता है एलईडी टीवी के पीछे, वहाँ पर जहाँ पर पेन ड्राइव लगता है वहाँ इस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और फिर आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी आपके ब्लूटूथ हेडफोन के साथ। अगर आपका टीवी दूर है या आपको म्यूज़िक सुनना है ब्लूटूथ हेडफोन में और आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है आपके लिए। इस डिवाइस से आप अपने टीवी को भी ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने पुराने होम थिएटर को, चाहे वो 2.1 हो चाहे 4.1 हो, उसको भी आप ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसके बाद फ़ोन से पेयर करके म्यूज़िक का मज़ा ले पाएंगे। तो गाइस चलिए इस पैकेट की अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अपने होम थिएटर के साथ ये कैसे काम करता है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप ये मेरी वीडियो, मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस चलिए इस पैकेट को खोलते हैं और मैं इसमें से डिवाइस निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि वो डिवाइस कैसे दिखता है और उसके बाद मैं आपको इसको कनेक्ट करना बता दूंगा कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस डिवाइस का, ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया गया डिवाइस है। अगर आपको भी चाहिए तो वहाँ से लिंक के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। ये है आपका डिवाइस, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और चलिए देखते हैं इसके साथ साथ इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। ओके, तो हमें ये 3.5 mm जैक, ये लीड मिली है। इसका यूज़ क्या होता है, ये हेल्प करेगी हमें जब हम टीवी के साथ इसको, इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। टीवी के पीछे हेडफोन का ऐसा वाला जैक होता है, ये एक पॉइंट वहाँ लगेगा, दूसरा पॉइंट आपका लगेगा इस डिवाइस के पीछे और ये लग जाएगा आपका यूएसबी पोर्ट में टीवी के। और उसके बाद इसको, ये पूरा टीवी बन जाएगा, इस दोनों की हेल्प से ब्लूटूथ में कन्वर्ट हो जाएगा टीवी। और फिर उस टीवी के ब्लूटूथ को आप पेयर कर पाएंगे अपने किसी भी हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन के साथ। फिलहाल मैं आपको होम थिएटर के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करना सिखा देता हूँ, ये कैसे कनेक्ट होगा। और गाइज आप ये बटन देख रहे हैं, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये रिसीवर का काम करेगा, एज अ रिसीवर एक्ट करेगा। और एक दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसमीटर बन जाएगा। ये रिसीवर और ट्रांसमीटर तब होगा जब आप अपने होम थिएटर को फ़ोन के साथ ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस फ़ोन से सिग्नल रिसीव करेगा, तब ये रिसीवर की तरह काम करेगा। और जब आप टीवी को इससे टीवी के पीछे लगा देंगे और अपने हेडफोन ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे तो ये टीवी के सिग्नल हेडफोन में भेजेगा, तब ये ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। ये दो तरीके से काम करता है, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। चलिए मैं आपको एक बार ये होम थिएटर में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इस डिवाइस से पहले मैं यूज़ कर रहा था अपना ये वाला ब्लूटूथ डिवाइस, ये सिर्फ रिसीवर का काम करता है, फ़ोन से सिग्नल रिसीव करता है। और ये नीचे है जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे 2.1 होम थिएटर है, ये इसको होम थिएटर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर देता था। ये आपका जैक है, होम थिएटर से आ रहा है और ये मैंने इसमें लगाया हुआ था, ये इस तरह से लग जाता है, इसके पीछे ये ऐसे लग जाएगा और फिर किसी भी चार्जर से, किसी भी फ़ोन के यूएसबी चार्जर से ये उसमें लग जाएगा सप्लाई के लिए। और फिर उसके बाद इसको सॉकेट में ऐसे लगाया गया था। सेम इसी तरह से आपको ये वाला भी लगाना है, ये केवल यूज़ होगी जब आप टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, जब टीवी को आप ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल इसका कोई यूज़ है नहीं, तो अब इस वाले पुराने वाले ब्लूटूथ को निकाल देते हैं और अब यूज़ करेंगे हम ये वाला। ये 1 साल की वारंटी के साथ आया है, तो चलिए देखते हैं चला के ये कैसा परफॉर्म करता है। ये हमने लगाया, ये यहाँ पर वायर आ रही है, ये
आपकी आ रही है होम थिएटर की, ये लगाते हैं हम इसके पीछे ऐसे, इस तरह से ये लग जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉकेट में लगाते हैं। ये देखिए ये ऑलरेडी ऑन है, ये यहाँ से ब्लिंक होने लग गया है, आप देख पा रहे होंगे ये लाइट, ये देखिए रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। अब हम ये वाला लगाएंगे जो पावर सप्लाई का है होम थिएटर का, अडेप्टर से जो आ रहा है ये उसका प्लग है, ये भी हम इसमें लगा देते हैं। अब इसको भी ऑन करेंगे, तो ये हो गया हमारा होम थिएटर को स्पीकर के जो आपको इनपुट जाएगा उसका, और ये हो गया आपका पावर सप्लाई का। तो चलिए अब हम फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये आ गया ऑक्सलो का ब्लूटूथ अडेप्टर का, ये इसने दिखा दिया है, ये फ़ोन ने इसके साथ पेयर हो चुका है, और ये जो रेड लाइट यहाँ ब्लिंक हो रही थी अब ये ब्लू में कन्वर्ट हो गई है। तो चलिए अब इसको करते हैं पेयर, और देखिए ये पेयर हो चुका है हमारा होम थिएटर, अब हमारा ब्लूटूथ में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसमें म्यूज़िक बजा के देखते हैं कैसा इसका म्यूज़िक बजता है। ये खोलते हैं हम YouTube, किसी भी आप पुराने होम थिएटर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप ये वाला डिवाइस यहाँ पर, ये वाली जो वायर है ये आप लगाएंगे इसकी निकाल के यहाँ पर, और जो दूसरा पॉइंट है ये लगेगा टीवी के पीछे, और उसमें अडेप्टर का कोई यूज़ नहीं है, ये जो डिवाइस है ये लग जाएगा वहाँ जहाँ पर आपका पेन ड्राइव लगता है टीवी के पीछे, और ठीक ऐसे ही ये पेयर हो जाएगा आपका। अभी ये रिसीवर का काम कर रहा है, ये बटन दबाएंगे, ये बटन दबाते ही ये ट्रांसमीटर का काम करने लगेगा, और फिर ये टीवी में भी काम करने लग जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जल्द लौटूंगा ऐसी अच्छी मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।